गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर वीडियो लेक्चर ऑफ पेपर वन गिवन बाय नवनीत कौर एंड दिस इज़ योर यूनिट फोर अगेन एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज वेलोसिटी एडिशन थ्योरम और रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे, इसमें आपके पास क्या है कि वेलोसिटी एडिशन थ्योरम और रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज निकालनी है। वो कह रहे हैं यूजिंग लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस वी कैन ऑब्टेन अ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन फॉर्मूला नॉन एज आइंस्टीन वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। वो कह रहे हैं लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की हेल्प से हमें रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन फॉर्मूला मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं आइंस्टाइंस वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। इसको डिराइव करने के लिए हमें दो इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करने पड़ेंगे, एक एस लेंगे और एक लेंगे हम एस प्राइम, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इन रिलेटेड मोशन, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं मोशन के साथ, वो देखेंगे कैसे रिलेट कर रहे हैं। आप देखिए कह रहे हैं कि जो एस प्राइम मूव्स, अगेन हम दो फ्रेम ऑफ जैसे रेफरेंसेस लेते हैं, एक एस रेस्ट पे होता है, ऑब्जर्वर ओ होता है उसमें, और एक एस प्राइम लेते हैं, उसमें आपके पास क्या होता है एस प्राइम जो है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिलेटेड टू एस। वो कह रहे हैं कि आगे हम यू आप ले लेंगे यू एक्स यू आई यू जेड, वे यू एक्स यू आई यू जेड बी रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ यू, सिमिलरली यू प्राइम यू एक्स प्राइम यू वाई प्राइम यू जेड प्राइम, वे आर यू एक्स प्राइम यू वाई प्राइम यू जेड प्राइम बी रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ, किसके हैं आपके पास अनदर वेलोसिटी ले लेंगे आपके पास क्या जगह। देखो आपने दो ही इस तरह से आपको फिर वेलोसिटीज लेनी पड़ेंगी, एक यू एक्स यू वाई यू जेड, वेयर यू एक्स यू वाई जब रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ यू हो जाएंगे। इसी तरह से आप कह रहे हैं कि सिमिलरली आपको एक अनदर वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट लोगे यू प्राइम, क्योंकि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक है एस और एक है एस प्राइम, उसके लिए आ जाएगा यू एक्स प्राइम यू वाई प्राइम यू जेड प्राइम, वेयर यू एक्स प्राइम यू वाई प्राइम एंड यू जेड प्राइम भी द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ यू प्राइम, दीज आर गिवन एज। अब हमें पता है वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर dt डैश नहीं आएगा, सिर्फ अकेला dt ही आएगा, इधर भी आपके पास dt ही आएगा। अगर ux आप सिंपल कॉम्पोनेंट्स ले रहे हैं तो उसके लिए dx एक्स बाई डी टी, यू वाई वाई के अलॉन्ग ले रहे हैं dy वाई बाई डी टी, यू जेड यू जेड वो जो है वो आ जाएगा dz जेड बाई डी टी आ जाएगा। और अगर आप प्राइम इसके निकालेंगे, अगर इस तरह से जो आपने अनदर कॉम्पोनेंट्स लिया हुआ है यू प्राइम कॉम्पोनेंट, उसके लिए भी आपने निकालना है यू एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम, यू वाई प्राइम डी वाई प्राइम बाई डी टी प्राइम, यू जेड प्राइम डी जेड प्राइम बाई डी टी प्राइम, ठीक है। वो कह रहे हैं द लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर, तो इसके लिए लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, एक्स प्राइम एक्स माइनस वी टी बाय, ये हमने पहले ही निकाल रखी हुई है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, ऊपर ये लिख देंगे कि लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हमारे पास एक्स प्राइम एक्स माइनस वी टी बाय स्केयर रूट ऑफ वन माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर के इक्वल आया है, वाई प्राइम वाई के इक्वल आया है, जेड प्राइम जेड के इक्वल आया है, और टी प्राइम जो है वो टी माइनस वी एक्स बाय सी स्केयर स्केयर रूट ऑफ वन माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर के इक्वल आया है। अब इसका लेना है हमने डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तो आप देखो इसको डी एक्स प्राइम का डी एक्स प्राइम हो जाएगा, एक्स का डी एक्स हो जाएगा, वी इंटू डी टी स्केयर रूट ऑफ वन माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर एज इट इज। इस तरह से डी वाई प्राइम डी वाई के इक्वल होगा, डी जेड प्राइम डी जेड के इक्वल होगा, डी टी प्राइम जो है वो डी टी माइनस वी बाय सी स्केयर डी एक्स बाय स्केयर रूट ऑफ वन माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ तक तो सिंपल सा स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से अब आपने क्या निकालना है, अब आप निकालिए डी एक्स बाय डी टी निकालना है। वो कैसे निकलेगा, हमारे पास ऊपर क्या था डी एक्स माइनस वी डी टी डिवाइड बाई डी टी माइनस वी बाय सी स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ से आप डी टी कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ से डी टी कॉमन निकालेंगे तो अगर जब आप डी टी यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो डी एक्स इधर डी टी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर है नहीं, इधर है तो ये कॉमन आ गया। इस तरह से डी टी बाहर ले लेंगे, डी टी बाहर आ जाएगा, यहाँ पर डी टी था नहीं तो हमने सेम फैक्टर बनाने के लिए यहाँ डी टी से जब आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे ओपन करवाएंगे तो डी एक्स यही टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। तो इक्वेशन हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे इसको
डी टी यहाँ से कॉमन ले लेंगे, डी टी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर डी एक्स प्राइम बाई डी टी और इस डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो आपके पास डी एक्स प्राइम बाई डी टी, हमें पता है आप प्राइम प्राइम को अनदर प्राइम वेलोसिटी के को ले लेंगे यू एक्स प्राइम आ जाएगा, तो आपके पास इसको डी एक्स बाई डी टी को हम यू एक्स लिख देंगे माइनस वी वन माइनस वी बाई सी स्क्वायर, अगेन डी एक्स बाई डी टी को यू एक्स लिख देंगे, दिस इज अगेन इक्वेशन नंबर वन। अब इसी तरह से हमने जैसे निकाला डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम, उसी तरह से डी वाई प्राइम बाई डी टी प्राइम निकाल लेंगे, यहाँ पर आपके पास डी एक्स माइनस वी डी टी बाई डी टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स आया था, वहाँ पर आपके पास अब हम निकाल रहे हैं डी वाई प्राइम बाई डी टी, तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ आप वाई के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो आपके पास अब वाई प्राइम देखिए आपके पास क्या है, ये है वाई प्राइम इज इक्वल टू सिंपली वाई के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पर ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगे आपके पास जब डी वाई प्राइम बाई डी टी निकालेंगे, तो डी वाई स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डी टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इधर इधर से इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे डी वाई बाई डी टी अगर निकाल लेंगे तो आपके पास यहाँ से डी वाई बाई डी टी, डी टी यहाँ से कॉमन लेंगे तो नीचे वाला जोन सा डी टी है इसको ऊपर ले जाएंगे, तो इस तरह सिमिलरली डी वाई बाई डी टी आ जाएगा, तो यहाँ से डी वाई प्राइम बाई डी टी प्राइम को हम यू वाई प्राइम लिख देंगे, डी वाई बाई डी टी को यू वाई स्केयर रूट ऑफ वन माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर वन माइनस वी बाई सी स्केयर, अब डी एक्स बाई डी टी को तो यू एक्स ही लिखा जाएगा, यहाँ पर अगर डी वाई बाई डी टी होता तो हम इसको यू वाई लिखते, लेकिन यहाँ पर अब है डी एक्स बाई डी टी इसलिए इसको क्या लिखेंगे यू एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। इसी तरह से डी जेड प्राइम बाई डी टी प्राइम निकल जाएगा, जैसे आपने डी वाई प्राइम बाई डी टी प्राइम निकाला है उसी तरह से डी जेड प्राइम बाई डी टी प्राइम निकल जाएगा, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसी तरह से आपके पास डी जेड प्राइम बाई डी टी प्राइम सेम आपने इसे डी वाई प्राइम बाई डी टी प्राइम निकाला है उसी तरह से ये आ जाएगा आपके पास यू जेड प्राइम, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास थ्री। हेयर इक्वेशन अब आपके पास वन टू एंड थ्री, ये जो आपने यू एक्स प्राइम यू वाई प्राइम और यू जेड प्राइम जो निकाले हैं यू जेड प्राइम जो निकाला है, ये इक्वेशन जो आपकी है वो गिव्स द कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज इन फ्रेम एस प्राइम एंड रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, सिमिलरली वी कैन गेट इनवर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बाय पुटिंग माइनस वी इन प्लेस ऑफ वी। अब इनवर्स के लिए आपको पता है माइनस वी जहाँ वी आ रहा होगा वहाँ माइनस वी पुट करवा देंगे किन इक्वेशंस में वन टू एंड थ्री इक्वेशंस में, तो आपके पास जैसे पहले आपने निकाला है ना यहाँ पर यू एक्स प्राइम यू एक्स माइनस वी आ रहा है इधर प्लस आ जाएगा, इस तरह से जब आपने यहाँ निकाला हुआ है ये आप देख सकते हैं यू एक्स प्राइम प्लस आ गया, बाकी सारा आपके पास नीचे भी आ जाएगा प्लस क्योंकि यू एक्स वाला फैक्टर है तो इधर प्लस आ जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। तो सिमिलरली आपके पास यू वाई निकल जाएगा यू जेड निकल जाएगा, दीज आर इक्वेशन नंबर फोर फाइव एंड सिक्स, ठीक है, तो ये आपके पास हो गया हेयर इक्वेशंस फोर फाइव एंड सिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, रिप्रेजेंट द रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन और कॉम्पोजिशन ऑफ वेलोसिटीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन क्लासिकल मैकेनिक्स, तो यू एक्स प्राइम आया आपके पास यू एक्स माइनस वी के इक्वल, यू वाई प्राइम आ गया यू वाई के इक्वल, यू जेड प्राइम आ गया यू जेड के इक्वल, तो ये आपके पास थी वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। यहाँ पर जो है ये वाला आर्टिकल जो है वो ख़त्म होता है, तो इसी के साथ जो है आपके पास नेक्स्ट आर्टिकल शुरू करेंगे लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। Thank you, students.